हम बिहार की जनता को हमने जो वादा किया है, पहले भी हमने कहा है कि हम 10 लाख नौकरियां जो हैं पहले कैबिनेट में देंगे। नीतीश कुमार जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन मुझे जनता, बिहार की जनता अगर एक मौका देती है तो मैं बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देने का काम करूंगा। कारखाने लाने का काम हम करेंगे, इन्वेस्टमेंट लाने का काम हम करेंगे। और पूरी तरीके से डबल इंजन सरकार जो है फेल हो चुकी है। ब्लॉक चले जाइए, ब्लॉक स्तर पर थानों में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो पाता है। 60 घोटाले जो हैं नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुए हैं, और हमने पहले भी कहा है कि सरकार में आने के बाद जितने नियोजित शिक्षक थे, जो उनका मांग रहा है उसको हम लोग जो है पूरा करेंगे, समान काम समान वेतन को लेकर। तीसरी बात हम ये बताना चाहते हैं, जो वृद्धा पेंशन जो है उसको बढ़ा करके 1,000 रुपये वो हमारी सरकार आती है तो उसके लिए हम काम करेंगे। तो साफ बात है कि यहाँ 15 साल में इन्होंने गरीबी नहीं मिटाई, भुखमरी नहीं हटाई, बेरोज़गारी नहीं हटाई, पलायन नहीं रोका। और जब मुसीबत के घड़ी में अपने भाई मजदूर जब फंसे हुए थे तो इन्होंने मुंह जो है वो फेरने का काम किया। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है बिहार के नौजवान, किसान, मजदूर सब एकजुट होकर के, सभी जाति वर्ग के लोग एकजुट होकर के इस बार हमको एक मौका ज़रूर देंगे।